हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शबानाज कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैरी गोल्ड बिस्किट से केक। ये बहुत ही ज्यादा आसान है और कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। मैं इसी तरह नए नए रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक मिक्सी जार लेंगे। अब हम इस बिस्किट को इस तरह से तोड़कर डाल लेंगे मिक्सी जार में। ये करीब 20 बिस्किट है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये 1 कप चीनी है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड हो चुका है। ये इसका बैटर इस तरह से रहेगा। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और ब्रश की सहायता से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें एक पेपर लगा देंगे। और फिर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और फिर से ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से सभी तरफ फैला लेंगे। अब हम इस बिस्किट के बैटर को इसमें डाल लेंगे। ये बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। मैंने यहाँ चौड़े मुंह वाले बर्तन में 1/2 ग्लास नमक और एक स्टैंड डालकर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। मैंने बैटर के ऊपर इस तरह से चेरी से सजा लिया है। अब हम इस बैटर को इस बड़े से बर्तन में रख देंगे और अच्छी तरह से बीच में रखकर सेट कर लेंगे। 1/2 घंटे तक ढककर पकाएंगे। 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम छुरी से चेक करेंगे कि केक हमारा बना या नहीं। केक बना नहीं है। देखिए इस तरह से केक में बैटर लगा हुआ ही है। अब हम 15 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे धीमी आंच पे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम छुरी से फिर से चेक करेंगे। देखिए छुरी बिल्कुल साफ सुथरी निकली है। केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और ऊपर से ड्राई भी हो चुका है। अब हम छुरी से इस तरह से चारों तरफ से गोल घुमा लेंगे। अब हम केक को पलट लेंगे और केक के ऊपर जो ये पेपर लगा हुआ है उसे भी निकाल देंगे। केक हमारा बहुत ही स्पंजी दिख रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। ये कोई बच्चा भी बनाकर तैयार कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।